तो और मेरे भाई लोग, क्या हालचाल है यार। तो यार इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा बीजीएमआई अनबैन को लेकर। तो यार तुम लोगों ने वीडियोस तो बहुत सारी देखी होंगी, कुछ रियल्स होंगी कुछ फेक होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करूंगा जो रियल हैं, मतलब जिससे थोड़ा बहुत लगता है हाँ बीजीएमआई थोड़ा नहीं मतलब बीजीएमआई अनबैन हो सकता है। तो मैं रियल से रियल ही रहूँगा, कोई फेक चीज़ नहीं बताऊँगा तुम लोगों के लिए। तो एक बार वीडियो को पूरा देखना, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। तो यार रिसर्च तो मैंने बहुत सारी की थी बट मुझे कुछ ज़्यादा लगा नहीं, तो जो मतलब दो तीन टॉपिक्स हैं वो ही उठा के लाया हूँ जिससे यहाँ लगता है यार बीजीएमआई आ सकता है, तो मैं वही आपको बताऊँगा। अब यार सबसे पहला पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा, यार देखो सब लोग जब बीजीएमआई बैन हुआ था तो सब लोग न्यू स्टेट की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन अब कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ग्रैंड फिर से शुरू हो गया है बीजीएमआई के लिए। अब स्क्वाड को अगर आप देखते होंगे तो स्क्वाड भी अब फाइव फिंगर पे शिफ्ट हो चुके हैं भाई, और वो पहले फोर फिंगर खेलते थे यार, तो कोई इतना ग्रैंड क्यों करेगा, वो ग्रैंड भी काफ़ी किया है। तो यार फिर से मतलब कोई इतना बड़ा प्लेयर कर रहा है मतलब तो कुछ तो होगा, और उन्हें तो पहले से ही पता लग जाता है गाइस, ये तो आपको पता ही होगा। तो यार जो अभी 29 अप्रैल वाला जो ट्वीट वायरल हो रहा है उसमें ऐसा लिखा है कि मतलब जो हमारी फिर से मतलब मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट के साथ, उसमें मतलब उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं हम अब मतलब नहीं कर सकते अनबैन, और उन्हें काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा है। जो सर्वर देखो, सर्वर तो उनका एक्टिव है गाइस, अपने लोग पबजी तो बीजीएमआई तो खेलते ही हैं और मतलब अनबैन नहीं है, तो उनको काफ़ी लॉस हो रहा है। इसके चलते ही वो 29 अप्रैल को पूरे सर्वर डाउन करने वाले हैं अपने। तो ये ट्वीट देख सकते हो, ये वायरल हो रहा है। तो यार मैं तो ये कहूँगा ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक है बिल्कुल। और इसके बारे में अभय गेमिंग ने भी बात की है, अगर हमने देखा होगा उनका वीडियो तो उन्होंने भी बात की है ये फेक है बिल्कुल। यार एक और न्यूज़ है जो बड़ी, जो आप गॉडल को तो जानते होंगे, तो उनके जो फ्रेंड हैं वो इमराज, तो उनका जो एक स्क्रीनशॉट मुझे मिला है, अब ये मुझे अभय गेमिंग के चैनल से मिला था, तो आप चाहें तो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ यहाँ टेलीग्राम पर लिखा है, तो पूरा तो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे ये दिखाया है देखो, साफ साफ लिखा है यहाँ पे अनबैन, तो ये देख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा खिल हुआ है हमारे लिए, और इसमें मतलब ऐसा बोल रहे थे वो कि 29 अप्रैल तक मतलब हमारा बीजीएमआई वापस आ सकता है। अब मुझे तो गाइस मैं अपनी बताऊं तो मुझे नहीं लगता इतने मतलब इतना जल्दी भी नहीं आने वाला है। तो मुझे अपनी बताऊं तो मेरा ओपिनियन ये है कम से कम जून तक तो लग ही जाएगा, जून तक वापस आ पाएगा। तो मुझे इतना ही कुछ मिला इसमें, अब मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं बताने के लिए, बस इतना ही।